गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आवर चैनल RDS ग्रुप ऑफ स्कूल। स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटी और हार्ड वर्क किस तरह से कंप्लीट करना है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको हार्ड वर्क के आगे क्या क्या करना है। आई होप आप सभी ने एक्टिविटी और हार्ड वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो आगे का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बताएंगे आपको कि जो आपके हार्ड वर्क कंप्लीट हो गए हैं उसके बाद में आपको क्या करना है। तो टर्न करिए पेज। पेज टर्न करने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको आज की डेट डालनी है, पेज नंबर और आज की डेट डालनी है। वर्ड एवरीवन। इसके बाद में आपको क्या करना है, सेंटर पे हेडिंग डालनी है। जैसे कि देख रहे हैं मैंने हेडिंग डाली हुई है शब्दार्थ, तो सेंटर पे हेडिंग डालनी है शब्दार्थ। बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखना है, कोई पुअर राइटिंग का यूज़ नहीं करेगा। शब्दार्थ का मतलब होता है शब्द और उनके अर्थ, यानी कुछ शब्द होंगे और जिसका कोई अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, शब्दार्थ कहते हैं। तो आपका फर्स्ट वर्ड मीनिंग क्या है, मिसाल। क्या है, मिसाल, मिसाल का उदाहरण, फॉर दिस एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, एग्जाम्पल बोलते हैं। कोई एग्जाम्पल दिखाओ, कोई जैसे सेंटेंस होता है उसे बनाना होता है तो क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल दिखाइए पहले। अकेरना यानी कढ़ाई करना। कुदरत, प्रकृति। अनूठी, अनोखी। ठानना निश्चय करना। कसूती, कढ़ाई। धैर्य, धीरज। माहिर, कुशल। परिधान, पोशाक। अतिरिक्त, अलावा। बुहारना, झाड़ना। नाउ वंस अगेन एवरीवन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फिर से देखिए एक बार कि आपको वर्ड मीनिंग कैसे करनी है। सबसे पहले लिखना है शब्दार्थ, मिसाल, उदाहरण, अकेरना, कढ़ाई करना, कुदरत, प्रकृति, अनूठी, अनोखी, ठानना, निश्चय करना, कसूती, कढ़ाई, धैर्य, धीरज, माहिर, कुशल, परिधान, पोशाक। पोशाक अर्थात ड्रेस, जिसको क्या बोलते हैं, ड्रेस बोलते हैं। अतिरिक्त, अलावा। बुहारना, झाड़ना। ये आपकी वर्ड मीनिंग है स्टूडेंट्स, जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं। आपको वर्ड मीनिंग के आगे क्या लिखना है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो वर्ड मीनिंग कंप्लीट होने के बाद में आप अगर आपको पेज में जगह, यानी पेज में कुछ लाइंस बच रही हैं या दो चार लाइनें, तो पेज लीव कर देंगे, न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। या अगर पेज है एक्स्ट्रा आपके पास तो आप क्या करेंगे, सेंटर पे हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे, प्रश्न उत्तर। क्या हेडिंग डालेंगे, प्रश्न उत्तर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इला का बचपन कहाँ बीता। चैप्टर मैंने रीड कराया था, एक्सप्लेन भी कराया था, आई होप आप सभी को पता होगा। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही अच्छी होती है, जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे कि इला की स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कि वह कभी भी हार नहीं मानती थी, राइट ना, वह कभी भी हार नहीं मानती। तो ऐसे ही उसके बारे में हम जितना ही जानेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इला का बचपन कहाँ बीता, यानी वह बचपन से कहाँ रहती थी। तो आइए देखते हैं आंसर क्या है। इला का बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में नाना के यहाँ बीता। अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में नाना के यहाँ बीता। नाउ वंस अगेन एवरीवन, फिर से देखिए, इला का बचपन कहाँ बीता। आंसर देखिए, इला का बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में नाना जी के यहाँ बीता। स्टूडेंट्स,
आपका वर्ड मीनिंग और एक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे के क्वेश्चन आंसर और जो भी एक्सरसाइज होगी वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया हो कि किस तरह से आपको वर्ड मीनिंग कंप्लीट करनी है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।